Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 53 English basic sentences. Today we are going to learn vocabulary with sentences, and today you will know how am I in real life. मैं किस तरह हूँ अपनी असली जिंदगी में. So let's see in this lesson you will know how am I in. But before starting this lesson, if you are not going to be crazy, so shut down and don't listen, don't watch this lesson. And if you want to be crazy, if you want to become a crazy, so watch this lesson. पहले ही बता दूं कि इस लेसन को देखने के बाद आप थोड़े पागल हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं अपना वो रूप दिखाने वाला हूँ जो मेरा रियल लाइफ में रूप है. एक ऐसा बंदा जो सटाया हुआ है, थोड़ा पागल है, और ये मेरे कुलीग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कैसा हूँ. सो वो अक्सर यही कहते हैं, तारिक यार कसम से तू टीचर है यार, तेरे जैसा टीचर मैं सोच भी नहीं सकता तू टीचर हो सकता, क्योंकि तेरा एटीट्यूड ऐसा है, तेरी बातें ऐसी हैं, तू बोलता इतना, यू आर वेरी टॉकेटिव, हाउ इज़ इट पॉसिबल यू आर टीचर, ये कैसे हो सकता है कि तुम टीचर हो. सो भाई आई एम नॉट टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ भाई. सो लेट स्टार्ट दिस लेसन. और एक और बात बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन, इट्स वेरी हार्ड वर्ड्स सो यू विल गेट कन्फ्यूज, बट आई विल टेल यू हाउ टू प्रोनाउंस इट. मैं ये भी बताऊँगा कैसे प्रोनाउंस करना है, बट मे बी यू विल गेट कन्फ्यूज, आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाओ. वॉट इज दिस एडजेक्टिव वर्ड है, लेट्स सी वॉट इज एडजेक्टिव, डोंट आस्क मी ओके, बिकॉज आई रियली डोंट नो वॉट इज एडजेक्टिव. मुझे कल की बात नहीं याद रहती, तो मुझे आज की बात क्या याद रहेगी, बिकॉज मैंने इस लेसन के हर वोकैबुलरी को 10 दफ़ा पढ़ा होगा, 10 दफ़ा सुना होगा, हर रोज़ सुन रहा था, लेकिन याद ही नहीं हो रहा था. फिर आखिरकार मैंने बोला दफ़ा करो याद करना, अल्लाह मालिक है, पागल बन के पढ़ा दो, शायद किसी के समझ में आ जाए. क्योंकि इसको मैंने बहुत रट्टा लगाने की कोशिश की, हर दफ़ा जब भी सुनता था भूल जाता था क्या वोकैबुलरी की प्रोनाउंसिएशन क्या थी, यही भूल जाता था. सो जिसे कल की बात अभी की बात याद नहीं रहती, उसे ये क्या याद रहेगा इसकी लफ्ज़ का तलफ़ क्या है. इवन मैं आज तक जितने भी लेसन पढ़ा चुका हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे भाई इसकी इंग्लिश क्या है जो आपने लेसन में पढ़ाया था, तो मैं वो भी भूल चुका हूँगा. बिकॉज समटाइम आई गेट स्टक एंड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, अक्सर मैं अटक जाता हूँ और ये भी भूल जाता हूँ कि मुझे इंग्लिश कैसे बोलते हैं. सो इट्स रियल, तो आई एम नॉट किडिंग ओके, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स सीरियस ओके. इसको पढ़ते हैं, इनक्यूजिटिव. इनक्यूजिटिव क्या लफ्ज़ है, इनक्यूजिटिव इनक्यूजिटिव. अच्छा अगर मैं अपने अंदाज में पढ़ूँ तो कैसे पढ़ता था, मैं अपना बता दूँ, आई एन इन क्यू यू आई एस को छड्डो यार, स्पेलिंग से याद कर लो, मेरा ये अंदाज था. मैं मुश्किल अल्फाज को हमेशा इग्नोर करता हूँ, बट मोस्टली स्टूडेंट्स सैड सर वी नीड वोकैबुलरी, वी नीड हार्ड वर्ड्स, वी वांट टू स्पीक डिफिकल्ट वर्ड्स बिकॉज वी वांट टू इम्प्रेस मैनी पीपल. इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस मैनी पीपल, इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस द पर्सन, सो यू डोंट नीड टू यूज़ हार्ड वर्ड्स, you need to speak very simple because simplicity is the best. So agar main abhi us tarah ban jaau jaise main hu real life mein, to mujhe ye pronounce karna nahi aayega, seriously abhi main bhul gaya hu kaise pronounce karte hain, in causative, क्या थी यार, अल्लाह माफ़ करे, एक मिनट लिमिटेड, इनक्यूजिटिव, ओ इट्स इनक्यूजिटिव, ओ आई रिमेंबर राइट नाउ, इसका मतलब क्या होता है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इनक्यूजिटिव, जासूस, हर बात मालूम करने वाले की जस्तजू. तो इन माई ऑफिस वन ऑफ माई कोलीग नेम इज़ फहाद, सो आई ऑलवेज से यू आर इनक्यूजिटिव बिकॉज you always hear many things and you just
you are the agent. I ex agent. I name him ex agent. So basically, I can use this word inquisitive in. Fahad is an inquisitive person. Fahad is inquisitive nature. But यहाँ पे जो sentence है वो देखते हैं. We have inquisitive nature. हम क्या था? ये देखो भूल गया. अम्मी अबू छो एक मिनट मुझे याद करने दे मतलब क्या था. हाँ सामने लिखा है मैं भी पागल हो गया हूँ. लेट्स सी वी हैव इंक्यूजिटिव नेचर. हम जासूस मिजाज के हैं. हम हर बात मालूम करने की जस्तजू करने वाले मिजाज के हैं. वी डोंट हैव इंक्यूजिटिव नेचर. हम जासूस मिजाज के नहीं हैं. हम हर बात मालूम करने की जस्तजू वाले मिजाज के नहीं हैं. Do we have inquisitive nature? क्या हम हर बात मालूम करने की जस्तजू करने वाले लोग हैं या मिजाज वाले हैं या क्या हम जासूस मिजाज के हैं? Don't we have inquisitive nature? क्या हम जासूस मिजाज के नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जुमला हो गया. यार तुम्हें टीचर बनना ही नहीं चाहिए था तारिक. टीचर बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है क्योंकि खुद कुछ नहीं आता पढ़ाऊंगा क्या. खैर जस्ट किडिंग. नेक्स्ट वर्ड उससे भी ज़्यादा हार्ड मुझे लग रहा है. ये लव्स पता है मैं क्या पढ़ता था. इमेजिन नहीं ऐसे कुछ होगा. इमेजिनेटिव क्या लव्स है. इमेजिनेटिव लव्स क्या है. इमेजिनेटिव ख्वाबों में रहने वाला. लाइक आई एम इमेजिनेटिव पर्सन बिकॉज आई ऑलवेज सॉ ड्रीम्स एंड आई ऑलवेज सी ड्रीम्स एंड इन ड्रीम्स आई ड्राइव अ कार एंड माय वाइफ सैड ओह वेक अप प्लीज वेक अप डोंट बी इमेजिनेटिव. वो कहती है ख्वाब देखना छोड़ दो. डोंट सी ड्रीम्स बिकॉज This is a real life. Okay, imaginative का मतलब है ख्वाबों में रहने वाले या ख्वाबी यानी शेख चिल्ली मिजाज का. शेख चिल्ली जिसे कहते हैं ना हर बात ख्वाबों वाली करता हो जो सिर्फ ख्वाबी बातें हों. My cousin has imaginative nature. मेरा कज़न ख्वाबों वाले मिजाज का है. माई कज़न डज़ नॉट हैव इमेजिनेटिव नेचर. मेरा दोस्त शेख चिल्ली मिजाज का नहीं है. अब शेख चिल्ली कौन था यार छड्डो यार. डज माई कज़न हैव इमेजिनेटिव नेचर. क्या मेरा कज़न शेख चिल्ली मिजाज का था या ख्वाब देखने वाला मिजाज का था. Doesn't my cousin have imaginative nature? क्या मेरा cousin अब ये मत पूछना cousin किसको कहते हैं because ये भी मैं भूल गया हूँ. Sorry to say, really sorry because I forget what is the meaning of cousin. या तीन दिन पहले नहीं एक हफ्ते दो हफ्ते नहीं तीन हफ्ते पहले मैंने family members याद किए थे पर भूल गया. हाँ मुझे याद आया एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा मैंने किसी को इंट्रोड्यूस कराया ही इज़ माई कज़न. उससे पूछा अब एक कज़न कहते किसे. मैंने बोला यार जो जितना रिश्तेदार होते ना उन सबको मैं कज़न बोलता हूँ भाई. उससे बोला पर क्यों बोलते हो ये तो बताओ. मैंने बोला ये नहीं पता बस कज़न बोलता हूँ क्योंकि सब कज़न बोलते हैं. मैंने बोला मैं भी कज़न बोल दूँ इसमें मेरा क्या कसूर. मेरे से ही मीनिंग पूछनी है किसी और से जाके पूछो. बेइज्जती कराने के लिए मैं ही मिला हूँ. मेरी बेइज्जती करनी है किसी और से जाके पूछो. चलो doesn't my cousin have imaginative nature. क्या मेरे कज़न का ख्वाब वो ख्वाबी मिजाज क्या मेरा कज़न ख्वाबी मिजाज का नहीं है. ख्वाब देखने वाले मिजाज का नहीं है. शेख चिल्ली मिजाज का नहीं है. कज़न कहते हैं चाचा के बेटे पापा के बेटे पता नहीं मैं भूल गया. चाचा के बेटे तो याद था पता नहीं ऐसे कुछ था भूल गया वाकई में भूल गया. अच्छा चले आगे चलते हैं. आप लोग वो लेसन देख लीजिएगा आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी आपकी थॉट्स और जो वो है ना क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार याददाश्त हाँ वो बहुत अच्छी होगी तो इसलिए आपको याद रहेगा पर मुझे याद नहीं है सॉरी टू से. आगे चलते हैं. इम्पल्सिव ये लफ्ज़ मैं कभी नहीं भूलूँगा. पूछो क्यों. क्योंकि ये पहला लफ्ज़ था जो मैंने याद किया था बड़ी मुश्किल से. आपको बड़ा आसान लग रहा है. अच्छा बाद में मुझे था इसके बड़े
बड़ा आसान था, मुझे याद करने में मुश्किल लग गया। सिव पल इम्पल्सिव। अच्छा एक एक मैं आपको बात बताऊं, आप एक लफ्ज़ है पी ई ए आर एल, क्या बना? पी ई ए आर, पी ई ए आर एल। मैं शादी में गया एक जगह, तो मैं बोल रहा हूँ पिलर 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 गार्डन कहाँ है, मतलब ये पिलर शादी हॉल कहाँ है? तो हर बंदा बोला पिलर, यार यहाँ तो कोई पिलर नहीं है। मैंने बोला यार पिलर पिलर कहाँ मिलेगा पिलर। बाद में पता चला उसकी लफ्ज़ का तलफ़ था पल ओ तेरी, तो इसमें भाई पी ई ए आर एल है ना, तो पी ई और आर कहाँ गया, ई और आर कहाँ गया, जब पल है इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन पल है, पी ई ए आर एल का मतलब पल है। तो भाई मेरे को क्यों नहीं बताया। एक तो अच्छा मज़े की बात, पहली दफ़ा मैं शादी में वहाँ गया 2 साल पहले, जब भी मैं भूल गया उसका तलफ़ुज़ मैंने याद किया भूल गया। नेक्स्ट साल जब दोबारा से मुझे बताया गया ना, अरे वहीं शादी है, तो मैंने बोला पाल में जाना है, पाल में जाना ना। अबे मेरे मैनेजर ने कहा तारिक तू वाकई में टीचर है? मैंने बोला सर जी 100% श्योरिटी के साथ बच्चे तो यही कहते हैं मैं टीचर हूँ, बाकी मुझे यकीन नहीं है मैं टीचर हूँ सर जी। तो उसने बोला भाई उसका पाल नहीं है पल है, पल। अच्छा मैंने बोला हर पल वाला पल? मैंने हर पल वाला पल याद कर लिया। मैंने बोला हाँ अब याद रहेगा पल, तो मुझे वो दिन नहीं भूलता पल। तो इसमें भी इम्पल्सिव, इम्पल्सिव तो उसकी स्पेलिंग याद रखिएगा पल। ये कई मिलीनियम मॉल के आगे जाकर एक आता है, पल गार्डन है, पता नहीं हॉल है क्या है, शादी हॉल है, इस तरह का ही हॉल है। तो मुझ गरीब को यार इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं लिखा करो यार, मुझ गरीब की वार्ड लग जाती है। खैर इम्पल्सिव मतलब होता है जल्दबाज, बगैर सोचे समझे जल्दी में काम करने वाला, लाइक मी बिकॉज आई एम वेरी इम्पल्सिव पर्सन एंड आई लर्न एंड आई फॉरगेट एंड देन आई लर्न देन आई फॉरगेट। मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, याद करता हूँ भूल जाता हूँ। फिर मैंने सोचा याद करना ही छोड़ दो, जब भूलना है तो याद करना छोड़ दो। खैर जस्ट किडिंग, इम्पल्सिव का मतलब क्या था, सम पीपल, ओ इम्पल्सिव का मतलब क्या था, भूल गया, जल्दबाज। हाँ ओह एक तो रट्टा मारना बड़ा मुश्किल हो गया। सम पीपल हैव इम्पल्सिव नेचर, कुछ लोग जल्द मिजाज के होते हैं। सम पीपल डोंट हैव इम्पल्सिव नेचर, कुछ लोग जल्द मिजाज नहीं होते, जल्द मिजाज यानी जल्दी में काम करने वाले। डू सम पीपल हैव इम्पल्सिव नेचर, क्या कुछ लोग जल्द मिजाज के होते हैं? डोंट सम पीपल हैव इम्पल्सिव नेचर, क्या कुछ लोग जल्द मिजाज के नहीं होते? शुक्र जान छुटी। अबे कितने और सेंटेंस है, बस करो यार मेरी जान लोगे क्या? कनिंग, यार ये मुझे बड़ा दगाबाज, चल्लाक, मक्कारी, ये लफ्ज मेरे लिए पता नहीं लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेरा मैनेजर कहता है यार मुझे क्यों डाउट लगता है तू बड़ा ही मक्कार चल्लाक है, तू एक्टिंग करता है। मैंने बोला सर जी कसम से एक्टिंग नहीं करता मैं, यकीन माने मैं एक्टिंग नहीं करता, मैंने एक्टिंग मुझे आती नहीं है, वैसे एक्टिंग होती क्या है? बोलता है या अल्लाह। अच्छा खैर आगे चलते हैं। दे हैव कनिंग नेचर, वो दगाबाज। एक तो ये मैसेज है भाई, मैसेज नहीं किया करो, मेरे पास बैलेंस नहीं होता। एक तो मैसेज आते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ डिलीट कर देता, पढ़ता हूँ डिलीट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैलेंस ही नहीं होता रिप्लाई करने का। खैर दे हैव कनिंग नेचर, उनका मिजाज मक्कारी है या उनका मिजाज दगाबाजी है, वो दगाबाज मिजाज के हैं। दे डोंट हैव कनिंग नेचर, वो दगाबाज मिजाज के नहीं हैं। डू दे हैव कनिंग नेचर, क्या वो दगाबाज मिजाज के हैं? डोंट दे हैव कनिंग नेचर, क्या वो दगाबाज मिजाज के नहीं है? अब तो ख़त्म हो जा यार, तू ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? खैर रैकिश, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रैकिश? खुश वाजे, खुश मिजाज का इंसान हो, खुश रहने वाला हो, तमाशबीन यानी दूसरों को खुश रखने वाला हो। इन रियल लाइफ आई एम लाइक रैकिश। रैकिश, आर यू रैकिश? नो आई एम नॉट रैकिश, ओके, बिकॉज पीपल से यू आर क्रेजी, यू आर नॉट रैकिश, ओके। लोगों को खुश करने वाला, लोगों को खुशियाँ देने वाला, और खुश वाजे,
यानी हर वक्त खुश रहने वाला, दे हैव रैकिश नेचर, उनका मिजाज वो खुश मिजाज के हैं, यानी तमाशबीन हैं, लोग खुश करने वाले हैं, मिजाज के हैं, दे डोंट हैव रैकिश नेचर, वो खुश मिजाज खुश वाज़े मिजाज के नहीं हैं, डू दे हैव रैकिश नेचर, क्या वो खुश मिजाज के हैं, लोगों को हंसाने वाले लोग हैं, क्या डोंट दे हैव रैकिश नेचर, क्या वो खुश मिजाज के खुश वाज़े मिजाज के नहीं हैं, लोगों को खुश करने वाले नहीं हैं, अलग तलग समाज का दुश्मन, एंटी सोशल, वैसे अलग तलग यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यू हैव एंटी सोशल नेचर, तुम अलग तलग अलग मिजाज के हो, यू डोंट हैव एंटी सोशल नेचर, अलग तलग से मुराद जो माशरे से थोड़ा अलग हो, थोड़ा डिफरेंट हो, यू डोंट हैव एंटी सोशल नेचर, तुम अलग तलग मिजाज के नहीं हो, डू यू हैव एंटी सोशल नेचर, क्या तुम अलग मिजाज के हो, एक तो खांसी भी जान नहीं छोड़ती, डू यू हैव एंटी सोशल नेचर, क्या तुम अलग मिजाज के हो, डोंट यू हैव एंटी सोशल नेचर, क्या तुम अलग मिजाज के नहीं हो, खत्म हो जाए। एक और आ गया मुश्किल लफ्ज़, सारे आज ही मुझे ही देने थे मुश्किल लफ्ज, बड़ा चला के ये तारिक, सारे मुझे ही दे के चला गया और किसी को नहीं दिया, गरीब हम, मैं अपने आप से बातें कर रहा था, सॉरी। अच्छा, दुनिया से दूर तन्हाई पसंद, ओए हुई 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 हुई, अब ये कौन होता है ये मत पूछना, आपने एक्सक्लूसिव सुना होगा, ये एक्सक्लूसिव का छोटा भाई क्या बनेगा, रिक्लोसिव, एक्सक्लूसिव होता है ना, एक्सक्लूसिव, रिक्लोसिव, रिक्लोसिव मीन तन्हाई पसंद, माई यंग ब्रदर हैज़ रिक्लोसिव नेचर, मेरा छोटा भाई तन्हाई पसंद मिजाज का है, माई यंगेस्ट ब्रदर डज नॉट हैव रिक्लोसिव नेचर, मेरा छोटा भाई कौन से मिजाज का नहीं है, तन्हा मिजाज का नहीं है, डज माई यंगेस्ट ब्रदर हैव रिक्लूसिव नेचर, क्या मेरा भाई तन्हाई मिजाज का है, डजंट माई यंगेस्ट ब्रदर हैव रिक्लूसिव नेचर, क्या मेरा भाई, मेरा छोटा भाई क्या था, तन्हाई मिजाज का नहीं है। एक वो लफ्ज़ आ गया, अबे ख़त्म हो जा मेरे भाई, मुझ गरीब को इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ दे जा रहे हो, मी एक्स्ट्रोवर्ट, जाहिर पसंद, अब ये जाहिर पसंद क्या है, मेरे को दिल चाह रहा सुना दूँ टाइट वाली, क्योंकि इतनी मुश्किल उर्दू, मेरे को एक तो इंग्लिश नहीं आती, तुम उर्दू मुश्किल दे रहे हो, खुदा का खौफ करो यार, मुश्किल चीज़ों से मुझे दूर रहता हूँ। जो शख्स दूसरों को देखकर अपनी अपना रवैया तब्दील करे, अपनी हालत तब्दील, जैसे देखते ना सामने वाला यार, ओए होए नई नई घड़ी पहन रहा, नई नई शर्ट बना, तुम भी नई नई घड़ी, उसने करोला कार ली, मैं भी करोला कार लूँगा, उसने ये लिया मैं भी ये लूँगा, दूसरों को देख के अपना रंग बदलना, ऐसे शख्स को ज़ाहिर पसंद परस्त जो होता है, देख वक्त, जैसे सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, सब ने ये वाले बीच वाली मांग रख के बाल लंबे लंबे कर लिए थे, अरे भाई जाहिर पसंद बन गए सारे के सारे, एक्स्ट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है जाहिर पसंद, मैं समझा चुका, टू ऑफ माय फ्रेंड्स हैव एक्स्ट्रोवर्ट नेचर, मेरे दो दोस्त जाहिर पसंद मिजाज के हैं, टू ऑफ माय फ्रेंड्स डोंट हैव एक्स्ट्रोवर्ट नेचर, मेरे दो दोस्त जाहिर परस्त मिजाज के नहीं हैं, डू टू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव एक्स्ट्रोवर्ट नेचर, क्या मेरे दो दोस्त जाहिर पसंद मिजाज के हैं, डोंट टू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव एक्स्ट्रोवर्ट नेचर, क्या मेरे दो दोस्त क्या था, जाहिर पसंद जाहिर परस्त मिजाज के नहीं है। अच्छा, इसकी दो तलफ़ुज़ हैं, अगली विकेबलरी आ रही है ज़िंदा दिल, ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी मैं तलफ़ुज़ हमेशा भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ अपनी निशानी लगाई है, अजीब सी निशानी, अब ये भूल गया, ये पढ़ूँगा कैसे, अल्लाह रहम फरमाए, एक तो तारिक तू भी कहाँ फंस गया, एक तो भूलने की बीमारी, ऊपर से ये भी भूल गया कि इतने मुश्किल लफ्ज़ नहीं उठाने चाहिए जिसकी प्रोनाउंसिएशन ही भूल जाता हर दफ़ा। खैर, स्पेशली
स्पेशली अ वुमेन एग्जेक्टिव लाइव लाइवली अब लेवली पता नहीं क्या होता है, जिंदाबाद खुश दिल, इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशन जो होगी, इसका तलफ़ जो होगा, दो तलफ़ है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश। अमेरिकन में इसको वीवेशियस पढ़ा जाता, वी की आवाज़ आती है वेशियस, नहीं ब्रिटिश में विवेशियस की आवाज़ आती है और अमेरिकन में वाई की आवाज़ पता नहीं कैसे मैं भूल गया, मैंने इसकी विवेशियस ही याद किया है, विवेशियस सही है, विवेशियस विवेशियस यानी जिंदा दिल। शी हैज़ विवेशियस नेचर, वो जिंदा दिल मिजाज की है। शी डज़ नॉट हैव विवेशियस नेचर, वो जिंदा मिजाज की नहीं है। डज शी हैव विवेशियस नेचर, क्या वो जिंदा मिजाज की है? डजंट शी हैव विवेशियस नेचर, क्या वो जिंदा मिजाज की नहीं है? एक्सट्रोवर्ट, अब ये क्या बला है? एक्सट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट यानी एक्सट्रोवर्ट का छोटा भाई आ गया। अब यार सारी फैमिली यहीं आनी है, कोई घर भी चले जाओ। अच्छा, अपने दिल या ज़मीर पर ध्यान देना, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरों को देखकर ख़ुद को तब्दील मत करना, इसका मतलब ये भी है कि जैसे हो वैसे ही रहो, या अपने ज़मीर या अपने दिल की बात सुनो, दिल पर ध्यान देने वाला या सुनने वाले को कहा जाता है इंट्रोवर्ट, दे हैव इंट्रोवर्ट नेचर, वो दिल की सुनता है, वो दिल की सुनने वाला मिजाज का है। दे डोंट हैव इंट्रोवर्ट नेचर, डू दे हैव इंट्रोवर्ट नेचर, डोंट दे हैव इंट्रोवर्ट नेचर, इसकी एक्चुअल उर्दू मेरे को भी याद नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ। खैर, एक और एहसास या बात जाहिर ना करने वाला, देखो कुछ लोग होते हैं जिनके फेस पर ना कोई, अब आप फेस देख लो ना, कोई बात उनके चेहरे पर आप पढ़ नहीं सकते कि वो किस मिजाज का बंदा है या कैसा है, क्योंकि वो अपने एहसास और जज्बात को, अपनी बात को इस तरह छुपा लेते हैं कि उनका फेस एक्सप्रेशन भी आपको पता नहीं, बता नहीं सकता कि आप वो क्या सोच रहा है, वो दुखी है या खुश है। उसकी बातें भी ऐसी होंगी कि आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो खुश है या उदास है। सो अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी, ये भूल गया, अम्मी अम्मी अबू, अच्छा याद आ गई, अनडिमोनेस्ट्रेटिव, अनडिमोनेस्ट्रेटिव याद आ गया, अनडिमोनेस्ट्रेटिव, आई हैव अनडिमोनेस्ट्रेटिव नेचर, मैं ऐसा जाहिर करने वाला मिजाज का नहीं हूँ। आई डोंट हैव एंड मैं मतलब आई हैव मतलब एहसास जाहिर ना करने वाला मिजाज, सही है, एहसास फेस एक्सप्रेशन से हो किसी से भी हो, आई हैव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, मैं एहसास जाहिर करने वाला नेचर यानी मिजाज नहीं है। आई डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, मेरा मिजाज एहसास दिलाने एहसास जाहिर करने वाला नहीं है। डू आई हैव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, क्या मेरा मिजाज एहसास दिलाने वाला है, मतलब एहसास मतलब एक बात है जाहिर एहसास जाहिर होना, यानी सामने फेस एक्सप्रेशन आप पढ़ सको, मैं उसकी एक्चुअल उर्दू भी भूल गया हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा क्रेज़ी हुआ हुआ हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ ये भी नहीं पता, तो आप भी पागल हो रहे होंगे, जल्दी से ख़त्म करता हूँ। डोंट आई हैव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, क्या मेरा मिजाज एहसास जाहिर करने वाला नहीं है। पोएटिक, ओए तेरी तो, मेरा फेवरेट आ गया, ही हैज़ पोएटिक नेचर, वो शायरी मिजाज का है, ही डज नॉट हैव पोएटिक नेचर, वो क्या था, वो शायरी मिजाज का नहीं है। डज ही हैव पोएटिक नेचर, क्या वो शायरी मिजाज का है। डजंट ही हैव पोएटिक नेचर, क्या वो शायरी मिजाज का नहीं है। अब एक और बला आ गई, ओ तेरी तो, उससे भी मुश्किल, इसको क्या पढ़ेंगे, सोचो तारीख bezati.com हो जाएगी, जल्दी सोचो, आज ही भूलना था तुमने, मैंने कहा ना पीर वाले दिन लेसन रिकॉर्ड नहीं किया करो, तुम्हारी याददाश्त पीर वाले दिन भाग जाती है। खैर, FAR SIGHTED, क्या बना, कुछ तो बनेगा यार, ओ याद आ गया,
याद आ गया, याद आ गया, फायर साइटेड, फायर साइटेड, साइटेड, इसमें जी एच जो होता है साइटेड, इसमें साइटेड जो है जी एच की आवाज़ साइलेंट होती है, दूर अंदेश यानी दूर तक देखने वाला, माई मदर हैज़ फार साइटेड नेचर, मेरी अम्मी दूर अंदेश हैं, माई मदर डज नॉट हैव फायर फार साइटेड, फार साइटेड, मेरी अम्मी दूर दूर अंदेश नहीं है, डज माई मदर हैव फार साइटेड नेचर, क्या मेरी अम्मी दूर क्या था दूर अंदेश हैं, डजेंट माई मदर हैव फार फार साइटेड, क्या मेरी अम्मी दूर अंदेश नहीं है, किस तुम सारों को मैं मार डालूंगा जिस जिसने रिक्वेस्ट की थी सर, हार्ड वर्ड लेके आओ। देखो हार्ड वर्ड में ये हालत हो गई है, मैं आधा पागल हो गया, अब और हार्ड वर्ड पढ़ाऊंगा ना तो पूरा पागल हो जाऊंगा, इसलिए एक हफ्ते तक कोई हार्ड वर्ड नहीं दूंगा, एक हफ्ते बाद दूंगा। खैर उबे प्राउड तो सर हमने सुना था, ये क्या लफ्ज़ है, लेट्स सी, इसको हाउडी, 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 इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेट्स सी, हाउडी, इसका मतलब होता है मगरूर, गुरूर करने वाला, मगरूर जिसे कहते हैं, प्राउड, फील प्राउडी जिसे कहा जाता है, ही हैज़ हाउडी नेचर, उसका वो मगरूर मिजाज का है, ही डज़ नॉट हैव हाउडी नेचर, वो मगरूर मिजाज का नहीं है, डज़ ही हैव हाउडी नेचर, क्या वो मगरूर मिजाज का है, डजन ही हैव हाउडी नेचर, क्या वो मगरूर मिजाज का नहीं है। फाइनली लेसन ख़त्म हो गया, मुबारक मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, अब मैं चलता हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्ता ला विस्ता, चाओ, सो जाओ, अपने खर्चे पे रहो, जो भी करना है अपने खर्चे पे करो, और इतनी मेहनत से ये जुमले पढ़ लिए हैं इसे याद कर लेना, क्योंकि मैं याद करूँगा मुझे याद नहीं रहेगा, आपकी याददाश्त तो माशाल्लाह से मेरे से अच्छी होगी, आप 10 दफ़ा पढ़ोगे, 10 दिन तक भी पढ़ोगे तो याद होएगा, मैं 2 दिन तक 10 दिन तक भी पढ़ूँ फिर भी याद नहीं होता। खैर अब मुझे इजाज़त दें, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू, सी यू क्या था, सी यू कुछ तो था, सी यू टुमारो, नहीं 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 ओह सी यू एट नेक्स्ट, नहीं 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 ओह यार भूल गया मैं, चलो यार एक तो ना एंड टाइम पे ऐसे वक्त में भूलता हूँ जब याद नहीं आता, अल्लाह हाफिज़ भाई, उर्दू सही है हमारा, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी भाई, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, छोड़ो यार इंग्लिश।